ये बच्चे एक दूसरे के ढाल हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। ये माया और विशु के रहते मैं अवि को नहीं मार सकता हूं, इनसे पीछा छुड़ाना ही होगा। विशु, माया, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ। तू तो ठीक है ना? हाँ। बच्चों, ठीक तो ना बच्चों? हाँ। सुनो, हम हैं चार और काम सिर्फ दो। अगर हम दो गुटों में बट जाए तो काम और दुगनी तेजी से होगा। दो गुटों में? हाँ माया, तुम और विशु सूरजपुर वापस जाओ, मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी से मिलो, वो मायावी मोतियों का हार ले आओ ताकि हम रुक्मिणी को नरक की आग से बचा सके। और मैं और अभी काली शक्तियों के लोग जाते हैं और सुनहरी चाबी लेकर आते हैं। ओए, ये आइडिया तो एकदम टिप टॉप है। ये रख लो, अपना ख्याल रखना दोस्तों। और ये ले जाओ ताकि तुम जादुई अलमारी से वापस आ सको। अपना ख्याल रखना अभी, हम बहुत जल्द मिलेंगे। ओए, अपना ख्याल रखना। नहीं बच्चों, ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। सुनहरी चाबी मिलते ही मैं अभी को मौत के घाट उतार दूंगा। आऊ, मेरी आऊ। शर्त हारने के लिए तैयार हो जा और फिर तुम और मैं आऊ शादी कर लेंगे। हाँ। चुप कर छुटंकी, हारेगा तो तू ही और जीतूंगी मैं। छोटा है ना इतना सा, हाँ, ज्यादा हवे में मत उड़। जीतेगा, जरूर जीतेगा। खामोश कमबख्त, तुम दोनों बेवकूफ समझते नहीं हो कि प्रताप ने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अगर माया और विशु ने दादी को प्रताप के बारे में बोल दिया तो सारा भांडा फूट जाएगा। वो बुढ़िया बहुत समझदार है। गुरुकाल, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा। हाँ, जाकर उन बच्चों को रोको ताकि वो दादी के पास पहुंच ना पाए। हवेली से निकलने से पहले बच्चों को खत्म कर दो। जा। जी गुरुकाल। गुरुकाल, इस भेड़िया ने भी, भेड़िया ने भी मैं कुछ भी कर लूं, इस आग के कारण मेरी सारी शक्तियां सीमित है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रुक्मिणी, मैं क्या करूं? अब तक तो हम इस भरोसे पर जी रहे थे कि भले हम इस नर की आग में, पर कम से कम हमारा अभी सुरक्षित है। लेकिन उस जादुई लोक पे तो उस पे बहुत खतरा है। आदित्य, कुछ तो तरकीब निकालो। पता नहीं मेरे अभी पर किन किन काली शक्तियों का साया होगा। अभी जल्दी चलो। ऐसा लग रहा है कि सब हमें आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। हाँ बेटा, अगर चेतावनी है तो हमें संभल कर चलना होगा। पता नहीं आगे जाकर किस चीज का सामना करना पड़े। तुम घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो इस तरफ से चलो। कैसे सब लाल हो रहा है।
सूरज जलने के कारण होगा अभी। चलो को काबू में रख प्रताप, मदद कर उसकी, मदद कर, तो अभी सारा खेल समझ जाएगा। गुरु काल इज वेरी वेरी हैप्पी। कि आदित्य और रुक्मणी को कैसे मारा जाए? पहले प्रताप अभी को तो मारे। अगर ये यहां मर गया तो काले पत्थर पर मैं रक्त किसका चढ़ाऊंगा? अभी तो मेरा सुनहरी चाबी पाने का एक ही रास्ता है। अभी बेटा मैं आ गया हूँ, कूदो वहां से, कूदो। पर पापा इधर आगे मैं कैसे कूदूं? कुछ नहीं होगा बेटा, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो तुम, कूदो। हाँ पापा। चलो बेटा। पापा शाबाश बेटा। अभी पापा अब यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? आओ ओ मेरी आओ, बड़ी जल्दी मैं शर्त जीतने वाला हूँ और फिर तुमसे शादी। सोच कर ही कितना मजा आ रहा है ना, क्या मेरी आओ? मजा आ जाएगा, तुम मेरी आओ बनोगी और मैं तुम्हारा पति। ओए छुटंकी, जागते हुए सपने देखना बंद कर। बस एक बार में शर्त जीत जा, फिर देखना जिंदगी भर तुम्हें मेरा गुलाम बना के रखूंगी, इन उंगलियों में नचाऊंगी, तुम आगे पीछे नाचोगे। ओ मेरी आओ, वैसे भी पति जो होता है ना अपनी पत्नी का गुलाम ही होता है। मैं तो तुम्हारा गुलाम बनने के लिए मरा जा रहा हूँ, बना लो मुझे गुलाम, कर लो मुझसे शादी, बन जाओ मेरी पत्नी। ओए औकात मेरे छुटंकी, वरना यही के यही मार दूंगी तुझे और फिर गुरुकाल से कहूंगी एक बड़ा सा चील आया और इतने से शकुर को उड़ा के ऐसे चला गया। ये सब बकवास बंद करो, अब मुझे ये सोचना है कि उन बच्चों को कैसे रोकना है। अरे पहले हमारे बारे में सोचो, आओ, अरे आओ। वो सब तो ठीक है, अभी और हुकुम काला पत्थर लेने गए हैं, पर गए तो गलत रास्ते से है ना? गलत रास्ता बस,
गलत रास्ता कैसे? हाँ वही आदित्य अंकल ने बताया था कि वो रास्ता शॉर्टकट है। वही तो डाउट का विषय है। जितना तुम दोनों ने बताया उससे तो मुझे हुकुम ने ऐसा खतरनाक रास्ता चुना ही क्यों? जाओ बच्चों, जल्दी दादी के पास जाओ, वही इस गुत्थी को सुलझाएंगी। आ गया मौत का झूला। बस ये पुल पार कर ले बेटा, अब ज्यादा दूर नहीं है। इतना खतरनाक पुल है ये, इतनी ऊपर से देखो तो इतनी गहरी रही है कि देखते ही चक्कर आता है, और ऊपर से पुल कितना हिल भी रहा है। तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी अभी जब मैं तेरा खून काले पत्थर पर चढ़ाऊंगा, और फिर सुरेरी चाबी मेरी। अच्छा हुआ जो ये खुद ही गिर गया, अब ये खुद ही मर जाएगा। नहीं, अगर ये मर गया तो मैं इसकी बलि नहीं चढ़ा पाऊंगा और मुझे जादुई चाबी कभी नहीं मिलेगी। अभी अपने आप को संभाल नहीं सकते, तुम पुल तक पार नहीं कर सकते। तुम तीन सालों में तो दादी ने भी मुझे आज तक कैसे नहीं डांटा। फिर तो तुम लोगों को दादी से मिलने के लिए कारागार जाना पड़ेगा। ऐसा करो, चलो कपड़े बदली करो फिर चलते हैं। तो फिर देर किस बात की, चल बॉस चलते हैं।
बाहर जाने की बड़ी आव है, मतलब अब कहाँ जाने की जल्दी है। बॉस कितना क्यूट है ये। ओए, इसकी हाइट तो मुझसे भी छोटी है। खामोश, अपनी होशियारी बंद करो, हम तुम्हें यहाँ मारने आए। ओए, इसका मतलब हमें जादुई लोग के बाहर भी जंग का खतरा होगा। ए, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। बच्चों भागो, भागो उस कमरे में। ये रहा काली शक्तियों का गुफा। ये क्या हो रहा है पापा? जल्दी करो अभी। इतना खुश मत हो बेवकूफ बच्चे। ये दरवाजा तेरी मौत की ओर जाता है। मुझे अपनी परवाह नहीं, बस बस मेरा अभी ठीक हो। अभी पर भरोसा करो रुक्मिणी, कुछ नहीं होगा अभी को। तुम्हारा प्यार उसके साथ है, बस पता ये लगाना है कि गुरुकाल ऐसा क्या करने वाला है जिससे हमें और अभी दोनों को खतरा होगा। कोई तो चाल होगी उसकी।